रहा उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, आज 10 बजे देहरादून में आत्मनिर्भर उत्तराखंड पत्रस समेट बौद्धोत्सव में हिस्सा करेंगे और इसी के साथ बागेश्वर दौरे के दौरान मां भगवती मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद 2:15 पर दानपुर महोत्सव 2021 का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शिखर वैली मॉडर्न पब्लिक स्कूल रीमा के नवनिर्मित भवन का भी वो लोकार्पण करेंगे। तो आज का पूरा कार्यक्रम सीएम धामी का ऐसा रहने वाला है। ये सारे कार्यक्रम काफी अहम रहने वाले हैं और इन सभी में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिरकत करते नजर आएंगे और हर कार्यक्रम एक अलग ही महत्व है, हर कार्यक्रम का एक अलग भूमिका निभाती है। जहां उत्तराखंड सीएम आज 10 बजे देहरादून में आत्मनिर्भर उत्तराखंड 25 समिट बौद्ध उत्सव में प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद बागेश्वर दौरे के दौरान मां भगवती मंदिर में दर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, और आत्मनिर्भर उत्तराखंड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ज्यादा अग्रसर मोड पर नजर आ रहे हैं क्योंकि पीसीएम धामी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति को किस तरह से पूरे देश भर में यहां पर आगे बढ़ाना है उसको लेकर यहां पर सजग है और ऐसे में एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर उत्तराखंड की संस्कृति को आप बढ़ाते हुए यहां पर नजर आएंगे। लोगों से स्वदेशी सामान और तमाम तरह की चीजें यहां पर खुद बनाने की चीजें कही जा रही है ताकि व्यापारी वर्ग जो है उसे साधा जा सके, उनको भी इस तरह का मुनाफा हो और ऐसे में देश भर में उत्तराखंड का नाम आगे बढ़े। और सीएम धामी का कार्यक्रम आपको बताते हैं, जहां सीएम धामी पहले देहरादून जाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड की यहां पर बात करते हुए तमाम महिलाओं पुरुष उनसे जनसंवाद करते हुए भी नजर आएंगे और इसके बाद उनके आगे के कार्यक्रम भी रहेंगे। जहां 2:15 पर सीएम धामी यहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा करेंगे और इसके साथ ही दानपुर महोत्सव 2021 का उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे और जनसभा को संबोधित कर जो भी कार्यक्रम है उनकी जानकारी खुद सीएम धामी देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही ये सारे कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये वादा किया, ये दावा किया था उत्तराखंड की तमाम जनता से कि 2025 तक उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य का दर्जा मिल जाएगा। अब इसके लिए बहुत मेहनत करने की भी जरूरत है, आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है और ऐसे में देखा जाए ऋतु तो बहुत बड़ी बहुत सारी चुनौती भी यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगे है। चुनौती सबसे बड़ी पलायन की, बेरोजगारी की चुनौती, महंगाई की चुनौती और इस सबको जुटा करके एक साथ ले जाना भी सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए यहाँ पर तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि युवाओं को रोजगार देना और इनके द्वारा ये वादे ये दावे भी किए गए हैं कि बच्चों को रोजगार, युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ बात किया जाए रोजगार के मुद्दे पर तो विपक्ष भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। विपक्ष बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि कितनी नौकरी भर्तियां की गई है, कितनी नौकरियां दी गई है, अगर दी गई है तो मेरे सामने आकर के, खुद हरीश रावत ने कहा कि मेरे सामने आके रिपोर्ट कार्ड पेश करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि ये इस तरह की अब बात बहस तो चलती ही रहेगी लेकिन इन सब के बीच कहीं युवाओं का जो भविष्य है वो पिसके ना रह जाए क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है इस समय पर कि युवाओं को पलायन से रोका जा सके। सबसे बड़ी चीज उनको रोजगार प्रदान करना, हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं सही करना बहुत जरूरी है हमने देखा और साथ ही साथ इस समय पर जो कोरोना के मामले एक बार थम गए थे वो फिर से यहाँ सामने आए थे हमने देखा और इस सब में बहुत जरूरी है कि हर एक चीज पे, हर एक मोड पे, हर एक वर्ग पर ध्यान दिया जाए। हमने देखा था यहाँ पर ऋतु किस तरीके से आम आदमी पार्टी आती है और उनका जो निशाना है वो ऑटो चालक और व्यापारी वर्ग, यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया व्यापारी वर्ग को साधने के लिए खुद डिप्टी सीएम आए थे, जहाँ ऑटो वर्ग के लिए ऑटो चालकों के लिए खुद सीएम यहाँ आए थे सीएम अरविंद केजरीवाल और इस सब के बीच वो निशाना भी बार बार साधते नजर आ रहे हैं। चाहे कोई भी विपक्ष हो सरकार पर बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा लेकर के यहाँ पर बढ़ती चढ़ती ही नजर आ रही, किसानों का भी एक मुद्दा यहाँ पर बार बार उठाया जाता है लेकिन इन सब के बीच ये जो कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा करवाया जा रहा है बहुत कम समय का कार्यकाल इनका रहा है देखा जा रहा, उतने में जिस तरह से ये आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम जनता को सारी सुविधाएं पहुंचाने की, उसमें कितने साकार ये होंगे ये 2022 विधानसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा और चुनाव नजदीक है उसके लिए भी पुरजोर कोशिश कवायद बीजेपी द्वारा की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अब अपना वर्चस्व बढ़ाना है और जीत अपनी ही दर्ज करवानी है। इसी बीच आज इस तरह के कार्यक्रम है जहां जनसभा को संबोधित करना तो अब लाजमी ही नजर आ रहा है।